रंजन, और आज की इस एपिसोड में यस बैंक को डिस्कस करेंगे। चूंकि यस बैंक के स्टॉक को अगर आप देखेंगे टेक्निकली, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो आप पाएंगे कि लगभग लगभग इस स्टॉक के जो 4 ईयर के जो 4 साल का जो वनवास है वो वनवास खत्म होते दिख रहा है। 14 साल का वनवास हमारे राम जी ने झेला था और 4 साल के वनवास से यस बैंक निकलते दिख रहा है। तो एपिसोड में आगे बढ़े, आगे के न्यूज ट्रेंड को समझे, इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। 2 बड़ी खबर हमने देखा। पहला खबर देखा एआरसी से 150 करोड़ कंपनी को इस समय रिकवर हुआ, और दूसरा Q3 के अपडेट्स हमने देखे। अब यहां देखेंगे तो क्या पाएंगे। हायर वॉल्यूम के साथ स्टॉक अपर साइड में ट्रेड कर रहा है। 330,000 क्वांटिटी एज अ बाइंग ऑर्डर लगी हुई है। 56 करोड़ एक बड़ा नंबर होता है। यहां देखेंगे रिसेंट के टाइम का लगभग लगभग सबसे ज्यादा ही वॉल्यूम रहा है। इसके पहले यहां भी थोड़ा जो है हमने 2 दिन जो है सेम वॉल्यूम देखे थे। तो हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। अपडेट्स में ये जो हमने 150 करोड़ और जो Q3 के अपडेट्स थे वो ऑलरेडी डिस्कस करा। डिलीवरी बेटर दिख रही है, टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो बेटर दिख रहा है। अब इसके चार्ट को देखेंगे तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहां से ही ये वनवास में आते दिखा था, और ये लगभग 2020 जून जुलाई के आसपास का महीना है। उसके बाद से ट्रेंड निगेटिव ही रहा, और यहां इसने 12 के लो बनाने के बाद का जो ट्रेंड है वो इसमें हायर हाई हायर लो दिख रहा है। एक बार पहले भी ये ब्रेकआउट हुआ लेकिन यही जोन से यहां से रिवर्सल दिखा और स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे आकर के दिखा। इस समय ये अपने मेजर रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, और 25 के ऊपर का ब्रेकआउट इस स्टॉक में शानदार तेजी लाएगा, और 2 सिंपल जो ट्रेंड है वो तो दिख ही रहा है। पहला टारगेट 32, दूसरा टारगेट 40, ये 2 टारगेट इस स्टॉक में इजिली विजिबल है। बात करें सपोर्ट का तो इस स्टॉक में 21 इस समय हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाला।